ಸೋಲುಮಿಳಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಗೌರಿಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ವೈಷ್ಣವಾಲಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯ ಯದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವಂಚಾಕಲ್ಪಿತವೃಷ ಕೃಪಾಸಿಂಧುರೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯ ವೈಷ್ಣವೇ ಅಜಾನುಲಂಬಿತ ಭುಜೌ ಕನಕಾಭದಾತೌ ಸಂಕೀರ್ತನೈಕಪಿತರೌ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷೌ ವಿಶ್ವಂಭರೌ ದ್ವಿಜವರೌ ಯುಗಧರ್ಮಪಾಲೌ ವಂದೇ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಕರೌ ಕರುಣಾವತಾರೌ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಿ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಗೌರವಂದೇ ಹರೇ ಸರ್ವತ ಅಂದರೆ ಗುರುಪಾದ ಪದ್ಮ ಮಿತ್ರಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಶೋದರ್ಶಕ ಶ್ರೀ 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 ಮಾತು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಚರಣ ಕಮಲನೆ ಅನಂತಗತಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡವತ್ತ ದರ್ಶಿಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಣು ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಮೇರೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಪಾದ ಪದ್ಮ ಮಿತ್ರಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಶೋದರ್ಶಕ ಶ್ರೀ 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 ಮಾತು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾ ಮಿತ್ರಲೀಲಾ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಚರಣ ಸರಜನೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಕರ್ತಾನೆ. ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೈಷ್ಣವ ವೈಷ್ಣವಿ ಸವಿಕೊಂಡು ಯಥಾಭಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾನೆ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಭವ ಇದರ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಂ, ಇದು ಗ್ರಂಥ ಹೇ ಹಿಂದಿ ಸಮಸ್ತವ ಯದಿ ಜೋ ಗ್ರಂಥ ಹೇ ಕಲ್ ಹಮ್ ಶ್ರವಣ ಕರ ರೇ ಥೇ ಕದೆ ಶ್ರೀ ಅಲಗ ಅಲಗ ಭಕ್ತೋನೆ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ಕೋ ಅಲಗ ಅಲಗ ಸಮಯ ಪರ ಅಲಗ ಅಲಗ ಉನ್ನೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಜೋ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಯದಿ ಯೇ ಗ್ರಂಥ ಹೇ ಕಿ ಭಿ ಜೋ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇ ಬೋಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಇಹ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕರುತ್ತಾ ಇಸ್ಕಾ ಮತಲಬ ಹೇ ಆಪ್ ಕೋಯಿ ಗಂದೇ ಕಾಮ ಕೆ ಲೀ ಜಾವೋ ಕೋಯಿ ರೋಕನೆ ವಾಲೆ ನಹೀ ಹೈ ಸಿಗರೇಟ ಕುಂಭ ದುನಿಯಾ ಕೋಯಿ ಕುಛ ಬೋಲೇ ಗಾ ದಾರು ಪಿಯೋ ದುನಿಯಾ ಕೋಯಿ ಕುಛ ನಹೀ ಬೋಲೇ ಲಡ್ಕಿ ಬಾಜಿ ಕರೋ ದುನಿಯಾ ಕೋಯಿ ಕುಛ ನಹೀ ಬೋಲೇ ಆಪ್ ಜುವಾ ಖೇಲೋ ದುನಿಯಾ ಕೋಯಿ ಕುಛ ನಹೀ ಬೋಲೇ ಚೋರಿ ಕರೋ ದುನಿಯಾ ಕೋಯಿ ಕುಛ ನಹೀ ಬೋಲೇ ಲೇಕಿನ್ ಜಬ ಆಪ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಕರನಾ ಶುರು ಕರೋ ಗಲೇ ಕಾ ಕಂಠಿ ಪಾಯಿ ಪೂರಾ ತಿಲಕ ಲಗಾ ಚುಕೇ देखना सारा दुनिया तुम्हारी विरोध हो गई इसलिए गांव के कुत्ता तक भी तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ेगा हैं कुत्ता तक भी तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ेगा इसलिए शास्त्र ने बताया भक्ति मार्ग यह कोटि कंठ गरुड़ मतलब है जो भगवान की भक्ति का मार्ग है वो करोड़ कांटा जुटता है कहते खुरस से धारा निशित दुर्तया ದುರ್ಗಮ ಪಥಸ್ತತ್ ಕವಯೋ ವದಂತಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಕೇಂದ್ರ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಮಾರ್ಗ ಜೈಸೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಉಪರ ಮೇ ಚಲನಾ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾ ಖೂನ್ ಜೈಸೆ ಧಾರ ಹೋತಾ ಹೈ ಜೈಸೆ ಸ್ವಿಮ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಬ್ಲೇಡ್ ಮೇ ಥೋಡಿ ಸಿ ಇಧರ ಉಧರ ಹೋ ಜಾಯೆ ನಾ ಝಟ್ ಕಟ್ ಜಾತಿ ಕಟ್ ಜಾತಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಯೇ ಕರ್ಣ ಕಾಂಟಾ ಯುಕ್ತ ಯೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ದೇಖೋ ಜೈಸೆ ಯೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈ ನಾ ये बिल्डिंग बनाओ कितना दिन लगेगा साल भर लग जाएगा लेकिन तोड़ना चाहो 10 मिनट में 1 घंटा में इसको तोड़ फोड़ कर रख सकते हो 1 घंटा में इसको पूरा तोड़ फोड़ कर रख सकते हो लेकिन बनाने के लिए जाओ तो कितना दिन लग जाएगा साल 6 महीना लग जाती है एक घर को बनाने के लिए और सारा जीवन का पैसा हीरो सारा जीवन का हीरो कमाते 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 है सारा जीवन लग जाती है लेकिन एक घर को बनाने के लिए लेकिन इसको तोड़ना चाहो इसलिए कहते हैं जो भक्ति मार्ग भी ठीक वैसे ही है भक्ति मार्ग है इसलिए भक्ति मार्ग को नष्ट करने के लिए जैसे हम लोग भजने में आए भले में कंठी लगाए हो तिलक लगाते हो हरिनाम करते हो भजन करते हो अगर इसको बर्बाद करना चाहते हो
एक घंटा में पूरा भक्ति जीवन को बर्बाद कर सकते हो, शराब पी करके, सिगरेट फूंक करके, लड़की को भाग करके, चोरी करके, एक घंटा में अपने सारा जीवन जो भक्ति की जो महल खड़ा किया हो, एक घंटा में इसको पूरा पूरा बर्बाद कर सकते हो। इसलिए कहते जो भक्ति मार्ग है ये करोड़ों कांटा युक्त है, हैं? इसलिए कभी यहाँ कभी कोई भगवान की भक्ति करने जाए ना, देवता लोग भी टांग पकड़ कर खजना सुन जाते हैं। साधारण व्यक्ति तो है ही है, कहते देवता लोग भी ईर्ष्या करते हैं भक्तों को, बोले सिंह कारण क्या, बोले कारण है देवता लोग कहाँ रहते हैं, बोले स्वर्ग। लेकिन आप जो भगवान की भक्ति करोगे, महाप्रभु राधा कृष्ण की भक्ति कहाँ जाओगे, बोले गोलोक वृंदावन। कहते गोलोक वृंदावन सर्वश्रेष्ठ स्थान है, गोलोक वृंदावन सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसलिए देवता लोग सोचते हैं ये जगत में साधारण एक मरते जगत में जन्म लिया, हाँ मरते जगत में जो मरणशील हम लोग स्वर्ग में रहते हैं, अमरा निर्जरा देवा, अमरा मतलब जो मरते नहीं, निर्जरा मतलब जिनको शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, देवता मतलब हर समय प्रकाशशील है। लेकिन हम रहते हैं स्वर्ग में और ये भक्ति करके हमारे सर पर प्यार रख करके गोलोक वृंदावन जाएंगे, जाने नहीं देंगे टांग पकड़ करके। इसलिए भक्ति मार्ग जीवन को कोशिश करो, जैसे मेरे गुरुदेव कहते थे एक जीवन इसी तरह से ऐसे भक्ति करो, कभी भक्ति को छोड़ मत। जैसे तिलक लगाए, हरिनाम करते हैं, हैं रोज भक्ति के अंग जागरण करते हो, कहते एक जीवन किसी तरह से उसको करते रहो, छोड़ना नहीं कभी। दुनिया छूट जाए तुम्हारी, ये दुनिया छूट जाए, दुनिया तो छूटेगा नहीं चाहने पर भी, अब नहीं चाहने पर भी दुनिया तुम्हें ठोकर मार देगा। हाँ ये जगत कैसे है, बोले कि आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो, बोले कैसे हो, जब तक जेब में पैसा हो, और पैसा गन तुम कौन, पैसा गन तुम कौन, इसलिए आप कैसे नहीं, तुम कौन हो, तुम कौन हो, हु आर यू, ये हाउ आर यू, हु आर यू। इसलिए ये जगत बड़ी अद्भुत जग दुनिया। इसलिए प्रभुपाद कहते भैया एक जीवन भगवान की भक्ति में लगा करके रखो, कभी भक्ति को छोड़ना नहीं, दुनिया छूट जाए, हैं दुनिया छूट जाए, वो छूटेगा एक दिन दुनिया, लेकिन प्रभु का भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है ना। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जो ग्रंथ है, जो ग्रंथ है अलग अलग भक्तों का जीवन में अलग अलग समस्या आई है, भक्ति करने के लिए जब जाओ जीवन में क्या समस्या आती है और उसका समाधान किया है, सलूशन किया है, क्योंकि ये ग्रंथ में प्रभुपाद ने, प्रभुपाद को जब अलग अलग समय पर कोई प्रश्न किया तब तो प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया, ठीक है। इसलिए कल हम कुछ कथा सुन रहे थे, आज कुछ कथा सुन, इसने प्रभुपाद को प्रश्न किया शरणागति का क्या लक्ष्य, शरणागति कितने तरह का, छह तरह का, क्या किया बोलो, शरणागति छह तरह का शरणागति, छह तरह का शरणागति है। इसलिए गतकल्ले हम लोग श्रवण किया था, अगर हम ठाकुर जी के चरण में शरणागत होते हैं क्या हमारी कल्याण होगा, तो गतकल्ले हम लोग ने श्रवण किया था भगवान के चरण में जो शरणागत होता है उसको जरूर मंगल ही मंगल, उसकी कल्याण ही कल्याण है, जगत में और किसी का अमंगल हो सकता है लेकिन भगवान के चरण में जो शरणागत हो रही है
कभी उनका अमंगल नहीं होगा। भगवान हर समय, भगवान कहते हैं मेरे शरण में जो आते हैं हर समय मैं उसको रक्षा करता हूँ, इसलिए मैं उसको रक्षा जरूर करूँगा मेरे चरण में जो आएगा। इसलिए आज सुनेंगे शरणागति का क्या लक्षण, शरणागति का लक्षण क्या। तो प्रभुपाद कहते हैं कर्तृत्व तो परित्याग कराई शरणागत लक्षण। फिर शरणागति का लक्षण ये है कर्तृत्व तो परित्याग करना। कर्तृत्व तो मतलब होता है करने वाला मैं, कर्तृत्व तो मतलब करने वाला मैं हूँ। अरे मैं नहीं होता तो दुनिया में कुछ होता, मैंने किया ये काम, मैंने किया, अरे मैं नहीं करता कभी होता। इसलिए कहते हैं ये कर्तृत्व मतलब करने वाला मैं हूँ। इसलिए जो व्यक्ति अपना कर्ता की अभिमान परित्याग करके जो कुछ होता है ठाकुर को इच्छा से ही होता है, परित्याग करे कृष्ण के गोपतृत्व वर्ण शरणागति स्वरूप लक्षण। इसलिए इसमें लक्षण है कहते एक है स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। मतलब क्या, एक होता है स्वरूप मतलब असली लक्षण है अंदर का लक्षण है, और तटस्थ मतलब होता है इसका बाहर लक्षण। कुछ अंदर का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इसलिए कहते हैं ये दिन का दो लक्षण है। कैसे इसका जो इंटरनल लक्षण क्या है, कहते हैं गुप्तृत्ते वर्णम तथा। मतलब हमारे को जो रक्षा करने वाले, हमें जो पालन करने वाले कौन है, ठाकुर ही हमें पालन करने वाले ठाकुर है। हाँ, हमें ठाकुर ही पालन करते हैं। जैसे श्री कौन है कहते, जैसे श्री श्रीवास पंडित, श्रीवास पंडित वो चार भाई चार पत्नी घर में बच्चे हैं, घर में पूरा के पूरा बच्चे हैं, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करते। दिन भर बैठ करके अपना पूरा के पूरा परिवार को दिन भर लेकर के मजरा मृदंग लेकर के दिन भर क्या करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए दिन रात भगवान की भजन करते हैं क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास किया है भगवान जरूर हमें पालन करेंगे, भगवान जरूर हमें पालन करेंगे। क्यों, कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, अन्यन्न चिंतन समाम जगतः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाख्यं वहाम्यहं। भगवान बहुत बड़ा प्रतिज्ञा लिया भक्त लोगों के लिए, भगवान बहुत बड़े भगवान प्रतिज्ञा लिया। प्रभुपाद कहते हैं तुम लोग निश्चिंत होकर भजन करो, चिंता मत करो, निश्चिंत होकर भजन करो। अगर कभी यहाँ पर जरूरत पड़ेगा मैं गोलोक वृंदावन से सोने की ईंट ले आऊंगा, सोने की ईंट गोलोक वृंदावन से मैं सोने की ईंट ले आऊंगा। इसलिए तुम लोग कोई चिंता मत करो, निश्चिंत होकर के भगवान की भजन करो, ठाकुर जी की भजन करो, कोई चिंता मत करो। देखो हमारे जैसे भक्तिवंत नारायण गोस्वामी महाराज सब क्या करते थे, दिन रात माला की जरूरत थी, हरिनाम तो करते थे, प्रभुपाद क्या करते थे, हरिनाम करते थे। देखो कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए, मंदिर में कितने सारे संत लोग रहते हैं, भजन करते हैं, भजन करते हैं, कहाँ तक पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई किया, कितने घंटा काम करना पड़ता है, आठ आठ घंटा दस दस घंटा, एक व्यक्ति आठ घंटा दस घंटा काम करना पड़ता है, हैं, और दिन भर करते हुए भी और इतने परिश्रम करते हुए भी केवल एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति का पेट पालने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। अब हमारा मंदिर में जाओ, अब देखो कोई काम धंधा नहीं किया, कोई नहीं,
सवेरे उठ करके ठाकुर का आरती कीर्तन करते हैं, प्रभु का माला जप करते हैं, हरि नाम करते हैं, और कोई काम से नहीं, दिन भर प्रभु का भजन भक्ति करते। देखो आपका घर में खाते समय क्या खाते हैं, एक रोटी को एक सब्जी, इतना ही तो रोटी एक सब्जी। मंदिर में जाकर देखो पांच तरह का सब्जी देखोगे, एक भाजी देखोगे, एक गड्ढे का सब्जी देखोगे, एक रस्सा देखोगे, एक दाल देखोगे, एक चटनी देखोगे, एक खीर देखोगे, एक रोटी देखोगे, एक चावल देखोगे, आठ तरह का रोज, आठ तरह का, एक टाइम नहीं तीन तीन टाइम। इतना नहीं, मंदिर में भंडारा चलते हैं, मंदिर में भैया इस सब कहाँ से आता है, ये तो कोई काम धंधा नहीं कर रही, ये सब आता है कहाँ से। हाँ देने वाले कौन है, भगवान ठाकुर जी देने वाले हैं, पालना करने वाले कौन है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते गोपतृत्य वर्णम था, मतलब छह तरह का शरणागति में एक शरणागति है, भगवान हमें जरूर पालना करेंगे। क्यों भक्तों का मन में विश्वास क्यों होता है, क्योंकि हम ठाकुर जी के चरण में शरणागत हैं, ठाकुर जी के चरण में शरणागत हैं। लेकिन अगर होएंगे तो ठाकुर पर पालना करेंगे ना, लेकिन ये विश्वास कब आएगा, कहते हमारे कहीं विश्वास नहीं होता है। लेकिन एक भक्त भगवान के ऊपर क्यों विश्वास करते हैं, कारण क्या है, बोले कारण है जब हम सही सही भक्ति करेंगे ना, सही सही भक्ति करेंगे, हाँ कोई कपटता नहीं, 24 घंटा हम भगवान को स्मरण करते हैं, उनकी चिंतन करते हैं, हैं जो करेंगे फिर क्या होगा, ठाकुर जी हमें हृदय में विश्वास देंगे, ठाकुर जी विश्वास देंगे। इसलिए श्री श्रीवास पंडित इतना बड़ा परिवार है, फिर कोई काम नहीं, दिन भर वेदन करताल लेकर के दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हैं महाप्रभु आकर के बोले श्रीवास तुम चार चार भाई हो, चार चार तुम्हारी पत्नियां हैं, इतना बड़ा परिवार, कोई काम धंधा कुछ है नहीं, दिन भर मृदंग बजा लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संसार यही चलेगा। श्रीवास पंडित क्या बोले, महाप्रभु बोले मैंने पूछ रहा हूँ तुम्हारे घर में से कैसे चलेगा, अब तुम श्रीवास काली क्यों हो जाए, बोले प्रभु आप ही तो भगवत गीता में प्रतिज्ञा किया है ना, जो अनन्य रूप में संपूर्ण रूप में मेरे चरण में शरणागत है, 24 घंटा में 24 घंटा जो मेरा स्मरण करता है, उसका योगाक्षम मतलब जो कुछ है ही नहीं घर में उसको सर पर लेकर पहुंचाता हूँ, जो है मैं स्वयं रखवाली करता हूँ, आपने बताया ना, मेरे को पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास आपके ऊपर में है, इसलिए जब आपने हमारी सारी दायित्व आप ही लिए, पर मैं क्यों आपका आदेश क्यों पालन नहीं करे, इसलिए हम सबके सब भजन करते हैं, बोले एक ताली की तीन ताली की, बोले पहला ताली इसलिए बजाया एक दिन तेरे नाम लेकर के, एक दिन तेरे भजन करके मैं देख लूंगा मेरे घर में कुछ आता कि नहीं, बोले दूसरे ताली की बजाय मैं दूसरे दिन भी देखूंगा तेरे नाम लेकर, बोले तीसरे ताली की बजाय बोले अगर दूसरे दिन नहीं आएगा तीसरे दिन भी देख लूंगा घर में कुछ आया कि नहीं, बोले फिर बोले अगर कुछ नहीं आया ना फिर मैं समझूंगा आपसे झूठ बोल रहे हैं, अब गीता से झूठ इसलिए गले में पत्थर बांध करके गले में ये गंगा में मैं डूब मर जाऊंगा, भगवान झूठ बोले, भगवान इतने खुश इतने प्रसन्न ठाकुर जी हो गए, बोले श्रीवास जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी लक्ष्मी क्या करती है, उधर लक्ष्मी हर समय हाथ ऐसे करते हैं, सारा दुनिया लक्ष्मी के लिए पागल है, तुम सभी तुम लोगों ने जिंदगी भर पढ़ाई क्यों की है, 20-20 साल कितने कष्ट, जब एग्जाम आता है कितने, फिर उसके बाद 8-10 घंटा काम करते क्यों, केवल लक्ष्मी के लिए, केवल लक्ष्मी, सारा दुनिया लक्ष्मी के पीछे पागल है, दुनिया लक्ष्मी के पीछे पागल, इसलिए लक्ष्मी हाथ ऐसे करके रहती है, सबका आशीर्वाद देती है, लक्ष्मी चाहिए ना हीरो चाहिए ना, हीरो के बगैर सब जीरो ही है, हीरो हीरो के लिए कितना कष्ट करते हैं, सारा दुनिया लक्ष्मी है, सारा दुनिया को लक्ष्मी आशीर्वाद देती है, लेकिन महाप्रभु कहते हैं अगर ऐसे जो लक्ष्मी जिसकी कृपा के बगैर, कहते कभी कृष्ण बलराम भी, कभी बलराम
कृष्ण को बोले, बोले कृष्णा तेरी जो लक्ष्मी है ना है? इसका कोई सब घर में चली जाती है, कोई चंडाल हो, कोई शूद्र हो, कोई निकृष्ट जाति, सब घर में चली जाती है, इसका कोई जात पात नहीं, ये ठीक नहीं है, हाँ, इसलिए लक्ष्मी को त्याग दे दो। कृष्ण को बोले लक्ष्मी को तू त्याग दे दो। इतने में जगन्नाथ जी और बड़े भाई कह रहे, दाऊ भैया कह रहे, लक्ष्मी त्याग दे। बोले ठीक है, क्या हुआ लक्ष्मी है ना, ऐसी स्थिति आ गई भगवान को भी खाना खाना नहीं मिला। कृष्ण है ना बलदेव प्रभु, कितने दिन तक भूखे रहे, जहाँ जाए खाना नहीं मिले, क्योंकि लक्ष्मी नाराज हो गई ना, लक्ष्मी नाराज हो, दोनों भैया खाना नहीं मिले, बड़ा कष्ट उठाए, बड़े दिन तक कष्ट उठाए, फिर लक्ष्मी की कृपा हो तो फिर भजन मिला। इसलिए लेकिन यहाँ कृष्ण महाप्रभु कहते हैं, ऐसे जो लक्ष्मी सारा दुनिया जो लक्ष्मी की आशीष आशीर्वाद चाहते हैं, अगर वो लक्ष्मी कभी दरवाजा दरवाजे में भीख मांग सकती है, लक्ष्मी सारा दुनिया को ऊपर कृपा कभी दरवाजा दरवाजा में जाकर की कभी भीख मांग सकती है, लेकिन तेरे घर में कभी भी तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इतने बड़ी बात महापुरुष है, इतने बड़ी बात है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, है? सही सही भगवान जैसे बोले ऐसे नहीं, आज इसको पूजा किया, कल उसको पूजा किया, कल कृष्ण को थोड़ा पूजा कर लिया, और अनन्य मतलब होता है एक तो न अन्य और कोई देवा देवी की है नहीं, अनन्य मतलब होता है जो संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में आश्रित है, हैं भगवान के चरण में जो संपूर्ण रूप में आश्रित है, हैं इसलिए भगवान जरूर हमें खिलाएंगे ही। इसलिए कल हम लोग बहुत बहुत कथा सुन रहे थे, हैं कैसे भगवान कैसे एक बच्चा कैसे माँ को ऊपर निर्भर करती है, हैं जब मैया भले ही नहीं खाए बच्चे को खिला करके ही वो अपना भोजन करती है। कहते आश्रित व्यक्ति कर्तृत्व और दरकार था के ना, यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में आश्रित है, निर्भर डिपेंड है, कहते उनको अंदर में कर्तृत्व का दरकार है ना, कर्तृत्व मतलब कर्तापन करने वाले मैं हूँ, ये चीज की जरूरत नहीं है, उस चीज की जरूरत नहीं। श्री वृषभानु नंदिनी पाल्य हरिवार विचार उपस्थित है ले जगतेर कौन खुद्र अभिमान हमारे हृदय अधिकार करते पारे ना। यहाँ पर कह रहे हैं अगर किसके अंदर में ये अभिमान आए, ये किस चीज का अभिमान, कहते श्री वृषभानु नंदिनी बल श्रीमती राधा रानी हम कौन है, कहते उनकी पाल्य, पाल्य मतलब होता है राधा रानी की, पाल्य मतलब होता है राधा रानी की ही हमारा जीवन का सर्वस्व, हाँ राधा जी की ही हमारी पालना करने वाले कौन है, श्री राधा रानी हमारे पालना करने वाले। अगर ये अभिमान अगर हृदय में आता है, हाँ तुम्हारे जीवन में कभी भी दुखरत नहीं आए, कभी तुम्हारे जीवन में दुखरत नहीं आए। देखो एक छोटी स्टोरी सुन लो, बोले एक समय राधा रानी कैसे इनकी एक राधा तीन तोते हैं, राधा रानी की कृष्ण तीन तोते हैं, एक शुभा एक विचक्षण और एक मंजुवासी, मंजुवासी मतलब जो बहुत मीठी मीठी बोलती है, विचक्षण मतलब बहुत चतुर है, शुभा मतलब कल्याण का। इसलिए ये तोता क्या करता है, कुछ तो राधा जी की तोता कुछ कृष्ण का तोता है, कहते राधा रानी कृष्ण आज इन दोनों कहाँ मिलेंगे, कहाँ पर कुंज बनेगा। इसलिए ये तोता एक राधा जी को राधा कृष्ण को दोनों को मैसेज देती है, इसलिए कृष्ण ने अपना तोते को बोल दिया जाओ तुम राधा रानी को बोल देना आज अमुक स्थान पर मैं स्वयं राधा रानी के लिए अपने हाथों से सुंदर में कुंज बनाऊंगा, और आज इसी कुंज में हम दोनों का मिलन होगा। अभी वो तोता जाकर राधा रानी को बोल दिया अमुक स्थान पर श्याम सुंदर वो तोता कुंज बनाएंगे, यही पर तुम्हारी मिलन होगी। जिस समय मिलन का समय आया, आप वृंदावन में देखे होंगे जो साधु लोग कुछ कुछ ऐसे साधु हैं, वो क्या करते हैं, कोई रोसी वोसे कुछ नहीं बनाते, घर में गए ब्रजवासियों घर में दो रोटी सब्जी ले आए, बस खा करके मस्त से दिन भर भजन करते हैं,
अब देखना कभी कभी गुस्से में बहुत सारा समय चल जाता है, चली जाती है ना, सुबह से लेकर शाम तक चलते रसोई में पूरा समय उसमें चली जाती है, रसोई बनाते बनाते। इसलिए वो इसी झामला में नहीं पड़ कर क्या करते, घर में गए दो रोटी सब्जी लाए बस खा कर घर में भजन में लग जाते। इसलिए अभी ठीक दोपहर में भोजन का समय होता है, जिस समय दोपहर में जाएंगे हैं, दोपहर में जाएंगे माधुपुर के लिए, उसी समय में बड़ा आंधी तूफान आ गया, जैसे स्टॉर्म आ गया आने वाला है ना, जैसे बड़ी जोर से आंधी और तूफान आ गया, इतने आंधी तूफान आ गई, इतने बारिश हुई, संत लोग और बाहर नहीं जा सकते, भिक्षा के लिए नहीं जा सकते, और माला लेकर बैठ कर क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी बैठ करके हरि नाम करे, हरे मतलब राधा रानी कृष्ण है, इसलिए अभी ठाकुर का नाम जप कर रहे, लेकिन पेट में भूख लगे ना, देना भजन में भी मन नहीं पाए, इसलिए बोले भूखे ना भजन है तो ले ले तेरी कंठी वाला, इसलिए पेट में अगर भूख हो हाँ भूख में ज़्यादा भूख हो भजन में, अभी वैष्णव लोग बैठ कर हरिनाम कर रहे हैं, लेकिन आंधी तूफान आ गया, अभी घर से निकल नहीं पा रहे, अभी बैठ करके हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे, इतने में राधा रानी की चिंता, देखो मेरे भक्त लोग ऐसे बैठ करके मेरे नाम कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन आज कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा किया है ना, जो मेरी भक्ति करते हैं कोई भूखे नहीं रहते, और ये घर में बैठ के भूखे बड़े हरिनाम कर रहे हैं। राधा रानी ने अपना हाथों से उन्होंने रोटी बनाई, अपना हाथों से उन्होंने सब्जी बनाई, दाल बनाई, चावल बनाई, और उन्होंने घर घर में राधा रानी और सभी संतों को घर घर में जा करके दे दे करके आ गए, बाबा लो प्रसाद लो, आज तुम लोग भूखे हैं ना, लो प्रसाद लो, प्रसाद पाओ। अभी समय लग गया, अभी कृष्ण को बोला था मैं इसी समय पर मैं आऊंगी, लेकिन अभी तो कृष्ण बड़े व्याकुल है, इस समय पार हो रहा है, अभी तो राधा रानी क्यों नहीं आ रहे, कभी कृष्ण बाहर जाकर देखते राधा रानी क्यों नहीं आए, नहीं फिर अंदर ही फिर थोड़ी समय पर फिर कृष्ण बाहर जाते, अभी तक भी राधा रानी समय तो इतना समय हो गया, बोले तो इतने समय पर आएगी, लेकिन आते आते हो गया लेट, जब लेट हो गया ना, जब राधा रानी लेट में आई, कृष्ण को मुंह होकर मान कर दिया, इतने में राधा रानी बात करना, अगर इधर बात करते कृष्ण इधर अभी मान करके बैठी है, इतने में राधा रानी ललिता भी सका सखियां थी, बोले ये महापुरुष को क्या हो गया, ये महापुरुष इतना मान क्यों किए, तब सखियां बोली बोले मान नहीं करेंगे, अपना घड़ी देखो कितना बज रहा है, तुमने कितना बजे बोला था आने के लिए, देखो कितना समय हो गया, इतने समय तुम तो क्या कर रही थी, लेट क्यों की, तब राधा रानी कहते हैं श्याम सुंदर, गीता में आप ही तो प्रतिज्ञा किया है ना, अनन्य चिंतन तमाम जिजनहा परिजिपासते, ये प्रतिज्ञा किसकी है, जो अनन्य रूप में मेरी सहारा में जो बैठे हैं, घर में जो चीज नहीं हो मैं स्वयं सर पर लेकर के घर में पहुंच जाता हूं, और जो चीज हो मैं स्वयं रखवाली करता हूं, ये प्रतिज्ञा किसने लिया है, मैंने लिया ना तुमने लिए हो, आज क्या हुआ तुमको पता है, तुम्हारे जो भक्त लोग हैं ना, जिस समय में ये जाएंगे माधुरी करके भिक्षा करने के लिए, उस समय आंधी तूफान आ गया और उस समय घर से बाहर नहीं निकल पाए, और घर में बैठ कर हरिनाम कर रहे हैं, और पेट में भूखे, आपने प्रतिज्ञा किया मेरे भक्त भी भूखे नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए रोटी बनाई, मैंने चावल बनाया, मैंने सब्जी बनाया, मैंने दाल बनाई, और घर घर में जा जा करके तेरे भक्तों को खिला करके ला रहा, इसलिए दे दूंगा। इतना सुनते ही कृष्ण का जो हृदय है ना एकदम पानी पानी हो गया, कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया, उन्हें राधा जी के चरण में गिर पड़े, बोले राधे तुम तो माँ हो, तुम माँ हो, माँ क्या करती है, जब तक बच्चे को खाना नहीं खिलाती है ना, माँ भोजन नहीं करती है,
बच्चों को खिला करके माँ पर गुजर कहते थे तो जगत की माँ हो, इसलिए प्रतिज्ञा तो मैंने की है। हाँ प्रतिज्ञा तो मैंने की, घर में बच्चों को कौन पालती, बाप पालती ना माँ पालती है, कौन पालती है बता, कौन पालती है बच्चों को, माँ पालती है बच्चों को, इसीलिए तुम तो दुनिया की माँ है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं अगर किसी ने राधा रानी की शरण में चली गई राधा रानी की तो उनको किसी चीज की चिंता नहीं, जैसे तेरे कदम सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी आपस में हरि कथा कर रहे हैं। अभी सनातन गोस्वामी हैं, अभी रूप गोस्वामी के मन में इच्छा हुई, बड़े दिनों में बड़े भी आए सनातन गोस्वामी आए, इसलिए मेरे घर बोले क्या भोजन खिलाए, बोले खीर इनको बहुत पसंद है, स्वीट राइस बहुत पसंद है, स्वीट राइस खिलाए। अभी बनाकर जंगल में भैया स्वीट राइस कौन खिलाएगी, हाँ कौन खिलाएगी स्वीट राइस, इतने में राधा रानी स्वयं दूध चावल काजू पिस्ता हाँ बढ़िया चीज लेकर राधा रानी आ जाती है, कहते बाबा बाबा लो अब खीर बना कर खा लेना। वो तो हरिकथा में मस्त थे, हाँ कृष्ण भक्ति रस में मस्त थे, बोले लाली तुम चला जाओ हम बना देंगे, राधा रानी तो चली गई, लेकिन देखा कथा ही खत्म नहीं हो रहा है, कथा ही खत्म, फिर राधा रानी घूम फिर करके आए, बोले बाबा बाबा तुम कथा करो मैं बना देती हूँ, राधा रानी एकदम कट्टा जला कर मिनट अभी उन्होंने खीर बढ़िया खीर बना करके, बोले बाबा भोग ला कर खा लीजिए, बोले लाली कोई चिंता मत करो तुम चले जा हम भोग ला कर खा लेंगे। बड़ी देर में जब कथा समाप्त हुई तो कोई लाली आई, बोले खीर बना कर रखी, देखा सचमुच से खीर है, तो उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगाकर जब सनातन गोस्वामी को दिया, खीर तो जीवन में बहुत खाए लेकिन ऐसे खीर कभी खाए, क्यों बनाया किसी ने राधा रानी, बोले राधा रानी कौन, बोले अमृत हस्ता, बोले जो कुछ राधा रानी बना देना वो अमृत बन जाए, वो अमृत बन जाती, और बनाया राधा रानी भोग किसको लगाया, बोले कृष्ण को, बोले लगाया किसी ने, बोले रूप मंदिर रूप गोस्वामी ने भोग लगाया, इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना तत् अहम् उपहृत अस्नामि व्रजत आत्मन पत्रम पुष्पम फलम स्वयं जो भी भक्ता प्रयच्छति, भक्त मेरे को भक्ति पूर्वक दो चीज देते हैं मैं उसको ग्रहण करता हूँ, लेकिन भक्ति पूर्वक देनी चाहिए, भक्ति पूर्वक देनी चाहिए, वो चीज में उतने स्वाद आता है, हैं मूल है कितने भक्ति करके दिया, जैसे कृष्ण जब विदुर जी के घर में पहुंचे हैं उसी समय में विदुर ने विदुरा थी ठाकुर का हम क्या खिलाएंगे, देखा घर में केले हैं लेकिन केले का छिलका खिला रही थी और केले फेंकते जा रही थी, केले का छिलका कृष्ण बड़े खुश हुए, खुश हो गए कृष्ण खा रहे थे, इतने में जब विदुर आए बोले पागली तू क्या कर रही हो, भगवान के केले का छिलका खिला रहे हो और केले फेंकते लिए जा रही हो, वो तो होश नहीं था प्रेम से खिला रहे थे, खा रहे थे, इतने में जब होश आया उसने केले खिलाना शुरू कर दिया, कृष्ण ने कहा विदुर पहले केले का छिलका में जो स्वाद आ रहा था ना वो आज अभी केले में नहीं आ रहा है, मैं केला नहीं खाता हूँ केले का छिलका नहीं खाता हूँ, क्या खाता हूँ मैं केवल प्रेम भोजन करता हूँ, मैं केवल प्रेम भोजन करता हूँ, इसलिए बोले सबसे ऊंची सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी साध विदुर घर पाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के भूखे हैं इसलिए जब उन्होंने खाए ना तो कितने स्वाद, राधा रानी जिसको बनाया रूप मंदिर इसको ठाकुर को अर्पण किया उसमें कितने स्वाद मिले, इसलिए बोले भैया तुमने मन में कुछ सोचा था, रूप गोस्वामी बोले हाँ तो सोचा था आप बड़े दिनों में आए हो, हाँ बड़े दिनों में आप आए हो इसलिए आपको कुछ खिलाने चाहिए, बोले भैया घनाघोर जंगल है कौन तुम्हारी मन की भावना को समझे और कौन ये घनाघोर जंगल में कौन आकर क्यों बना, वो जो लाली थी ना लड़की वो साधारण नहीं थी, वो स्वयं से राधा रानी थी, वो स्वयं श्री राधा रानी थी, कहाँ राधा रानी की सेवा करनी चाहिए और राधा रानी हमारी उल्टा सेवा करती है,
इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि ते वृषभानु नंदिनी रे पाल्य हरि बार विचार उपस्थित है ले, जिसके मन में ये इच्छा हो जाए हम राधा रानी की पाल्य दासी है, राधा रानी हमारी पालना करने वाले श्री राधा रानी, जगत रे कौन क्षुद्र अभिमान हमारे हृदय अधिकार करते पारे बिना, जगत का जितने सारे अभिमान हैं कभी भी हमारे हृदय टिक नहीं सकते, सारे अभिमान दूर हो जाती हैं। आमी कृष्ण रे आश्रित ए अभिमान ना होइले शरणागति बा आश्रय होलो ना, तब हमारे अंदर में क्या अभिमान आना चाहिए, कहते कृष्ण का हम आश्रित है, कृष्ण हमारी रक्षा करने वाले, हम उनकी आश्रित है, उनकी शरण में हम रहने वाले, इसलिए जब तुम्हें ये विचार नहीं आएगा ना शरणागति व आश्रय ना होलो ना, तब हम भगवान के चरण में शरणागत नहीं है, इसलिए संपूर्ण रूप में कृष्ण पर तुम्हारे विश्वास होनी चाहिए। कहते सत्फले पिता अभिमान कर्ता अभिमान स्वाभाविक, सत्फले सत्फले पिता अभिमान कर्ता अभिमान स्वाभाविक, इसलिए संपूर्ण रूप में कर्तृत्व छोड़कर भगवान चरण शरणागत हो जाओ, हो जाने पर ठाकुर जी जरूर हमें पालना करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न है क्या देव जन्म अपेक्षा ये मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, समझे, कर जो देवता जन्म है जो स्वर्ग में जो देवता लोग रहते हैं क्या उनसे भी जो मानव शरीर जिनको मिलता है एक मानव शरीर का श्रेष्ठ है, देवताओं से भी क्या मानव शरीर श्रेष्ठ है, किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, प्रभुपाद क्या आंसर देते हैं, देवता से क्या मानव शरीर श्रेष्ठ है, प्रभुपाद कहते निश्चय देवता से भी ये मानव शरीर है, भक्त जगत में जो मानव शरीर, अब विशेष करके जो मानव शरीर है हम लोगों ने जो हिंदू जाति में जो जन्म ग्रहण किया हिंदू कुल में सनातन धर्म में, हम लोग जो सनातन धर्म में आए बड़े भाग्य से, इसलिए भगवान राम स्वयं कहते मानुष तन पावा सूर दुर्लभ सद ग्रह भगवान अयोध्या वासियों को समझा रहे, अयोध्या सब अयोध्या वासियों को बैठा कर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो मानव शरीर ये देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर दुर्लभ है, कहते इसी जगत में आप पुण्य कर्म करो करके स्वर्ग में तो जा सकते हो, स्वर्ग में तो जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं फिर वो काम करके फिर ये मानव शरीर आ सकते, तो ये देव जन्म को जब पुण्य खत्म हो जाएगा पता नहीं कौन पेड़ पौधा जानवर कौन जा जीवन में जाए कोई पता नहीं, लेकिन ये मानव शरीर उनको नहीं मिलता है, बोले मानव शरीर का क्या विशेषत्व है, तो भगवान राम कह रहे हैं बोले साधन धाम मोक्ष कार द्वारा पाए न जे परलोक सवारा, भगवान कह रहे बोले मानव शरीर इतने महत्व क्यों है, क्या कारण है, इसलिए बोले साधन धाम मतलब भगवान की जो भक्ति है ना ये मानव के सिवाय और कोई नहीं, अब देखो पेड़ पौधा जानवर जितने जगत में इसको बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे तो कौन बोल सकता है, एक मानव सिवाय बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, और किसको बोलो कोई कर सकता है, जैसे हम बैठ के कथा सुन रहे मन में सुन रहे ना हृदय में सोच रहे भगवान कितने दयालु कितने कृपा भगवान, ये चीज को मानव का सिवाय और कोई सोच सकता है क्या हृदय में,
जैसे सवेरे सवेरे आप लोग घर से आए इतने जल्दी उठ करके, नहीं 7:30 बजे आरती हुई, चलो कितना बजे उठे, 6 बजे उठे, नहा धो देते नहा धो कर पिला करके फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर क्यों उसको बता 7:30 बजे आरती है, चलो आरती में और कोई जानवर यहाँ पर गई आए और कोई यहाँ पर कोई और गई आया है भाई, नहीं आया है जैसे बैठ गए थी, जैसे बैठ गए थे ना देखो कथा सुनते हंस रहे ना, और कितने जानवर बोल तो हंसते हुए किसको देखा है, किसी चिड़िया को हंसते हुए देखे हो, किसी जानवर को हंसते हुए देखे हो, कभी हंस रहे हो कभी रो रहे हो, कभी भावना में आ कर जब सुंदर सुंदर कथा सुनते हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की भावना, ठाकुर जी अपने दयालु ठीक है, और कोई सोच सकता है ठाकुर के बारे में, कोई नहीं सोच सकता है, केवल इन्हीं दोनों आंखों से केवल हम ठाकुर को हम ही देख सकते हैं, दोनों कानों से कथा केवल हम ही सुन सकते हैं, दोनों प्यार से घर से तक यहाँ तक भगवान की कथा इंसान ही आ सकता है और कोई ये काम नहीं कर सकते, इसलिए भगवान कहते हैं बोले साधन द्वारा मानव शरीर नहीं, ये क्या है बोले साधन धाम है, मतलब इसी शरीर में ही हम साधन कर सकते हैं, है जब साधन धाम बोले मोक्ष करे द्वारा, मोक्ष करे द्वारा मतलब यदि ये मानव शरीर में नहीं मिला किसके क्या मिला है, बोले मुक्ति के दरवाजा पर खड़े हो, मुक्ति की दरवाजा पर खड़े हो, मतलब क्या है इसी जीवन में भक्ति करके जन्म मृत्यु का चक्कर से इसी जीवन में ही तो खत्म कर सकते हो, और कोई जन्म मृत्यु का चक्कर से कोई भी खत्म नहीं कर सकते, इसलिए पाई न जेई पर लोग भगवान कह रहे हैं ये तो साधन धाम है, लेकिन जिनको ठाकुर ने मानव शरीर दे दिया लेकिन पा करके भी खा पी करके जानवर जैसे खा पी करके बच्चे जन्म करके भर जाते हैं, वो क्या बोले पाई न जेई पर लोग सवारा, लेकिन जो इनको मानव शरीर मिलने का बावजूद परलोक को सुधारने के लिए कोशिश नहीं किया, मतलब जीवन में भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं की, तीसरे लाइन में कहते हैं फिर तो ये सर को पिटते रह जाओगे पिटते रह जाओगे, लेकिन भगवान तुम्हें ये मानव शरीर नहीं दे, पेड़ जन्म देखो एक जगह पर खड़ा बारिश हो रही ठंडे में और हम लोग देखो पूरा घर में बैठे, घर में बैठे उसको इसी ठंडे में खड़ा हुआ पेड़ काट देते बोल नहीं सकते, काट देते नहीं बोल सकते हैं, जानवर जीवन में देखो जड़ जैसे जब इच्छा तो मुर्दा खा ले तो काट कुट के खा लेते हैं, इसलिए कहते हैं जो दूसरे जीवन में पाने का बाद फिर जो मानव शरीर फिर दो बार मिलेगा नहीं, भगवान कह रहे फिर तो धून धून पछताए सिर पिटते रह जाओगे, प्रभु हमें ये मानव शरीर दो, भगवान दोबारा नहीं देंगे, भगवान नहीं देंगे, इसलिए क्या करो है इसलिए क्या करो, इस जीवन में रहते रहते जितने जल्दी हो बोले तुम जते नपति अनुसूत जावत, समय को कभी नष्ट मत करो, प्रभुपाद कहते समय को नष्ट मत करो, भगवान की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठाकुर जी की भक्ति में लगे जाओ, इसलिए कहते जो मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ ये मानव शरीर है, कहते देव जन्म तक मनुष्य जन्म भालो, बोले देवता जन्म से भी ये मानव शरीर अच्छा है, बोले क्यों कारण क्या, बोले यही जन्म देवता गण गण ओ मनुष्य जन्म आकांक्षा करे, के देवता लोग भी मानव शरीर पाने के लिए इच्छा करते हैं आशा करते हैं, देवतारा एक तो विषय भोगे मत थाके जे भविष्यते जे तादेर जन्म दुख भांडार परिपूर्ण होए रहे जे ता तरा चिंता करते पारे ना, कहते क्यों देव जन्म से मानव से श्रेष्ठ प्रभु पाद कहते हैं कि जो देवता में है ना वहां पर ज्यादा विषय भोग है, वहां पर ज्यादा विषय भोग है, वहां पर विषय भोग होने का नाते इतने विषय भोग वहां पर इतने विषय भोग है, लेकिन ये लोग सोच नहीं पाते जब ये मानव शरीर नष्ट हो जाएगा, ये मानव शरीर तुम्हारे जब नष्ट हो जाएगी लेकिन उसको बाद में कहते जरा दुख भंडार परिपूर्ण रह जाएगा चिंता करते बारे ना, इसको बाद में क्या करेंगे इसको
बड़ा दुख कष्ट भोगना पड़ता। क्यों? मान जब देव जन्म खत्म हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, पता नहीं कौन सा पेड़ पौधा जीवन में जानवर जीवन में जाना वो भूल जाते हैं बाद में क्या हमारे साथ में होने वाला। सामर की सुखर नेसाते इतरा मजगुल हो जाके थोड़े समय का सुख के लिए स्वर्ग में जो सुख है जब तक पुण्य रहेगा तब तक वो करोगे, थोड़ी समय सुख के लिए उसमें एकदम डूब जाते हैं। देवता तो किचु समय जन्म क्षीण पुण्य मरते लोग विसरते, पुण्य खत्म होते फिर इसी संसार में आओ, फिर वही दुख कष्ट को फिर भोग करो। गत इतर प्राणी अपेक्षा मानुष रे भविष्य तर चिंता अधिक। यदि मानव शरीर को इतना श्रेष्ठ क्यों बताया, कारण बोले एक ही कारण है, जो दूसरे दूसरे जो जीवन है वो कभी भी भविष्य को नहीं सोचते, कभी वो भविष्य को नहीं सोचते, भविष्य हमारे क्या होने वाला है, लेकिन केवल इंसान ही सोचता है, इंसान ही सोचता है हमारा भविष्य क्या है, हमारा भविष्य क्या होने वाले है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आमी कोथाई छिला की करिते एथा हेला की बा काज करे गेला कोथा जावो शरीर को। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कहते पांच चीज को हमें विचार करनी चाहिए, जो करते हैं ना वो इंसान है। बोले पांच चीज क्या है, बोले के आमी मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कोथाई छिला मैंने कहा था, तीसरा क्या, बोले क्या करने के लिए मेरे को यहाँ आना पड़ा, फिर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उसको बाद में मेरे को जाना कहा, मेरे को जाना कहा है। यदि जो पांच चीज है ना कौन सोच सकता है, एक इंसान ही सोच सकता है, भैया मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, जिनको अपना कह रहे हैं, ये सब क्या है। फिर उसको बाद में हमारे पिताजी के पिताजी गए, एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा, फिर जाना कहाँ है हमें, फिर जाना केवल एक इंसान सोच सकता और कोई किसी विषय पर सोच नहीं सकता। देवता गण मानुष अपेक्षा सुख स्वच्छंद वास करें, तार अधिक दिन भोग करते पारे, किंतु सही देवता का निशेष असुविधा छे। देवता का जन्म ऐश्वर्य सुत द्वारा परिवेष्टित हो सही सकल वृद्धि जत्न करें। यहाँ पर कह रहे हैं स्वर्गलोक में इस जगत में जितना भोग है ना, कहते स्वर्गलोक में इससे ज्यादा भोग है, स्वर्गलोक में ज्यादा भोग है। जैसे आप इसी जगत में आप लिमिटेड खा सकते हो, कोई बढ़िया चीज हो, एक रसगुल्ला खा लो दो ठीक है, तीन बोले ठीक है, चार बोले नहीं और नहीं, बोले एक तो चल जाएगा, हाँ खा लो, बोले पंच बार तो उल्टी हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं, इसी जगत में जो विषय भोग है संसार का विषय भोग, वहाँ पर विषय भोग का कोई लिमिटेड नहीं, इतना कर सकते हो, लेकिन करने पर भी कहते किंतु सही देवता करने से ऐसे असुविधा अच्छे, किंतु उसको बाद में पुण्य खत्म हो जाना पड़ सकता नहीं, कि कौन सा दुख कष्ट भोग करना पड़ेगा। इसलिए कहते देवता ना वहाँ पर जन्म ऐश्वर्य ज्ञान इसको द्वारा जत्न करें, तारा मानुष अपेक्षा अधिक भोग समृद्ध करने वाले हमारा कहा दियो के बड़े मन करी, किंतु मानुष एक विशेष सुविधा ए जे तारा देवता न्याय अति बड़ ना हुआ दरुण तारतम्य मंगल चिंता परिवार अधिकार लाभ करे से। ये देवता लोग तो इसलिए उनको श्रेष्ठ मानते हैं वहां पर ज्यादा भोग है, लेकिन जो मानव शरीर को इतना श्रेष्ठ क्यों माने, बोले कारण है इसी ये मानव जो शरीर है कहते इसी जीवन में ही तुम क्या कर सकते हो, भगवान की भक्ति करते हुए तुम भगवान का धाम कर जा सकते हो, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं यत गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमे अर्जुन। अगर ये मानव शरीर में एक बार हम साधन भजन कर लें, अगर एक बार हम भगवान के पास में चले जाए, फिर जहाँ जाने से फिर तुम्हें यहाँ आना नहीं पड़ेगा। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, नित्य शाश्वत आनंद, नित्य स्थान चिरकाल के लिए, जहाँ जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि जहाँ पर कुछ है नहीं, जहाँ आनंद आनंद ही जहाँ पर है वो भगवान का धाम को। इसको कौन प्राप्त कर सकता है, केवल एक इंसान ही प्राप्त कर सकता, देवता इस चीज को प्राप्त नहीं करते। इसलिए एकादश स्कंध में बताए देवता लोग भी विशेष करके जो कलयुग है
ये कलयुग कौन सा कलयुग है? बोले धन्य कलयुग। कलयुग साधारण कलयुग है, कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते, क्योंकि भाई भाई में लड़ाई, वो भाव में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, आपस में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, मन में लड़ाई, है लड़ाई लड़ाई कलह कलह झगड़ा। लेकिन है इसलिए कलयुग में कोई आना नहीं चाहते। लेकिन ये जो कलयुग है, फिर इसी कलयुग में देवता लोग भी आना जन्म लेना चाहते। सत्य त्रेतया द्वापर युग, सत्य त्रेतया द्वापर, सत्य युग को धन्य युग मानी जाती है, है? धर्म चार चरण में था, त्रेतया युग में राम राज्य, कोई दुखी नहीं थे, द्वापर युग में कृष्ण राज्य, स्वयं पूर्ण ब्रह्म जहाँ जन्म हुए हैं। लेकिन ये युग का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। यहाँ तक भी प्रभुपाद कहते हैं जो बड़े बड़े महाभागवत है, जो बड़े बड़े महाभागवत भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? बोले कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, चैतन्य महाप्रभु धारा में जो अभिषिक्त होकर के भजन करते हैं, जी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब उनको सिद्धि प्राप्ति होगी एक साथ में, वो भगवान का धाम कृष्ण धाम में भी जाएगा और महाप्रभु धाम में, जिस रूप गोस्वामी महाप्रभु धाम में, रूप गोस्वामी कृष्ण धाम में, रूप मंजिल सनातन गोस्वामी महाप्रभु धाम में और कृष्ण लीला में लवंग मंजिल, एक साथ में दो प्रकोष्ठ में उसको सेवा प्राप्ति होता है। और कलयुग में जो साधन है ज्यादा परिश्रम नहीं, दूसरे दूसरे युग में जो साधन बड़ा कष्ट साधन, लेकिन कलयुग में ज्यादा साधन करने का जरूरत नहीं, बस केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे दूसरे युग में ना जो साधन में कष्ट है, पहले चार तरफ में आग लगा करके सर नीचा करके टांग ऊंचा करके बिना खाए दिए हैं, बिना खाए दिए हैं, हजार हजार साल तक भूखे में भजन करो। तृतीय युग में रोज यज्ञ में बैठो, जो आग जलती है शरीर बड़ा कष्ट होता है, धुआं निकलता है, हैं? इसलिए द्वापर युग में सेवा ये लाओ वो लाओ, अर्चना पूजा दूध लाओ, कोई परिश्रम नहीं, बस केवल जीवा हिला दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे 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 का। लेकिन कहते इतना सरल है, इतना सरल, इसलिए कहते हैं जीवाच बस वर्तिनी है, जीवाच तथापि नरकम जानती किम आश्चर्य अतपर तद सुलभम भगवत नाम। देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बोले सुलभम भगवत नाम। अभी जो भगवान ने नाम दिया कोई पैसा लगा, कोई हीरो लगा, दूसरे जीवन साधन में पैसा लगता था, बहुत पैसा खर्चा होता था, एक यज्ञ करने जाओ कितने हजार रुपया के हिसाब खर्चा होगा, ठाकुर की सेवा पूजा अर्चना पैसा खर्चा होगा। लेकिन बात चली दिन में केवल हरे कृष्ण है, सुलभ सुलभ मतलब अगर हरि नाम करोगे तो कोई पैसा की जरूरत नहीं, बिना फ्री है, फ्री फ्री है ना, इसलिए भगवान का नाम सुलभ आसानी से भगवान का नाम, मतलब जीवा से बस बचते ना, मतलब ये जो जीवा है हमारी बस में है। अगर बोलोगे जीवा को भैया तुम कृष्ण नाम करो, जीवा क्या करे, कृष्ण नाम करेगा, जीवा से बस बचते ना, हमारी अधीन में जीवा है। लेकिन कहते इतना सरल है, देखो तब भी कलयुग में जीव नर्क जाए, तभी कलयुग में जीव नर्क, तब भी इतने सरल है, तब भी हरिनाम नहीं करता है, तथापि नरकम जानति तभी नर्क जाते, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, इसमें बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। इसका मतलब है भैया हरिनाम करो, क्या करो, चलते उठते बैठते सोते हर समय माला चुटकी है ना, हर समय माला को अपना
पास में रखा करो, ट्रेन में जा रहे हो हरिनाम करते करते, गाड़ी चला रहे माला करते करते जा, चलते हुए जा रहे माला करते करते जा, कभी हीरो भूल जाना लेकिन माला नहीं जाना, फिर माला गई माला का अर्थ में अपना पास में रखा करो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ऐश्वर्य देवता मंगल चिंता कर, मनुष्य देवता अनुकरण जन्म ऐश्वर्य प्रभुत्व व्यस्तता के लिए निजे मंगल चिंता करते पा रहे ना, जैसे जैसे देवता लोग क्या करते हैं बड़ा ऐश्वर्य है वहाँ पर बड़े पैसा, अगर जीव अगर इसी दुनिया में आकर के जन्म ऐश्वर्य ज्ञान और स्त्री सुंदरता अगर इसी में ही अगर जीव अगर डूब जाता है फिर तो अपना मंगल कैसे सोचेगा, मंगल कैसे सोचेगा। इसलिए देव जन्म अपेक्षा मनुष्य जन्म भगवत भजने साधु संगर सुजोग बेसी यही जन्मे देव जन्म अपेक्षा मानव जन्म श्रेष्ठ, इसलिए मानव शरीर का श्रेष्ठत्व है। इसी जीवन में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और साधु संग कर सकते हैं, जैसे हम बैठे करके क्या कर रहे हैं भगवान की कथा सुन रहे हैं हरिनाम कर रहे हैं साधु संग कर रहे हैं, स्वर्ग में स्वर्ग में नहीं साधु संग स्वर्ग में नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले स्वर्ग सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस, कर जो सौभाग्य यहाँ पर है मर्त जगत में स्वर्ग में भी सौभाग्य नहीं, बोले स्वर्ग की बात छोड़ो ब्रह्मलोक में भी नहीं, ब्रह्मलोक की बात छोड़ो शिवलोक में भी नहीं, बोले शिवलोक की बात छोड़ो वैकुंठ नास्ते अमरस, वैकुंठ में भी वो रस है नहीं। अगर उनको कभी कथा सुनना इच्छा हो ना वो भी अगर कभी स्वर्ग कभी स्वर्ग में देवता लोगों की इच्छा हो कथा सुनने के लिए स्वर्ग परित्याग देते हैं, कभी ब्रह्मा जी की इच्छा कर कथा सुनने के लिए ब्रह्म लोग त्याग देते हैं, कभी शंकर जी की इच्छा कर तो श्री कैलाश त्याग देते हैं, कभी हनुमान जी की इच्छा करे गौर जी की इच्छा करे वो वैकुंठ त्याग देते हैं। लेकिन देखो हलाल राशि अब तुमको कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ा, कथा रूपी गंगा बहते रहे बहते हमारी घर में आ गई, हम बैठ बैठ कर क्या कर रहे कथा रूपी गंगा में घर में बैठ बैठ करके गोता लग रहे हैं, बैठ बैठ करके हम स्नान कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद कहते हैं जो सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त तुम्हें हो सकती है ये सौभाग्य तुम्हें कहीं प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए कभी देवता जन्म से भी मानव शरीर श्रेष्ठ है। ठीक है गौर प्रेमानंद हरे हरे भगवान छाकल कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल।